नीट 2022 को लेके एक न्यू अपडेट है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और जेएनडी के लिए एक खुशखबरी भी है दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि नीट जो आपका 2022 है यूजी का, इसमें जेएनके गवर्नमेंट ने 50% सीट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी फॉर ऑल इंडिया कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स जो हैं वो जेएनके कंट्रीब्यूट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन 26 सितंबर 2022 को। जो भी बच्चे फ्रॉम जे एंड के एंड लद्दाख यूटीज दैट हैव टेकन पार्ट इन नीट एग्ज़ाम, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एग्री हो गई है कि डिटेल में अगर हम लोग बात करें कि 15% जो मेडिकल सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए ऑनगोइंग ईयर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। देन आगे अगर हम बात करें, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है हमारी न्यू दिल्ली कंडक्ट किया था उसने यूजी 2022 एग्ज़ाम, अलो द स्टूडेंट टू ज्वाइन द यूजी मेडिकल कोर्स ऑन 17 जुलाई 2022, और रिजल्ट जो आपके हुए थे वो हुए थे 7/9/2022 को। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया था रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट जो यूटी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते, जो जिन्होंने भी नीट में पार्टिसिपेट किया था उनका रिजल्ट 26 को यहाँ पे पब्लिश किया गया। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्टेड नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन में इसने ये बात बोली है। बाकी मैं आपको बता दूं फर्दर, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इसी साल 2022 के जो एडमिशन लेना चाहते हैं जेएनके, डिसाइडिंग टू प्रोवाइड 15% सीट एज पर द डिसीजन, तो ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। 15% सीट्स काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती है, तो फिलहाल के लिए